आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी चीज़ जो कि पहले ज़्यादातर लोग इसी तरह से इसको बनाया करते थे। बहुत से लोग पहले मतलब इसी तरह से जो बूढ़े वाड़े लोग होते थे वो इसी तरह से मतलब बनाते थे। आजकल तो हम लोगों को ये खोखट लगती है कि क्या इतना तामझाम करो, जल्दी से सब चीज़ मिक्स करके बना लो। लेकिन पहले के लोग वाकई में धीरे धीरे काम करते थे, लेकिन पूरी जो प्रोसेस होती थी वो उनकी बहुत कायदे से होती थी, बहुत अच्छी वाकई में चीज़ बन के तैयार होती थी। सोचो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पुरानी चीज़ें वाकई में बहुत ही अच्छी होती थी। बाकी जो हमारी दादी और मम्मी में सब लोग खिलाती थी, दादी की तो बात ही अलग होती थी। जो दादी खिलाती थी वो मतलब ऐसा लगता था कि इतनी टेस्टी चीज़ बनती थी। और हमारी दादी तो अक्सर इसी तरह से बनाती थी, चाहे वो मतलब कभी भी बनाएं लेकिन उनको कभी ये नहीं लगता था लाओ जल्दी से फटाफट से बना लें। तो कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया था कल शाम को, तो मैंने सोचा कि सुबह इस तरह से कचौड़ियाँ बनाऊंगी जो कि मुझे दादी की याद दिलाती। मेरी दादी अक्सर यही बनाती थी। तो दाल को 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया, फिर उसको साफ़ करके पीस लिया, दरदरा टाइप का थोड़ा सा पीस लिया। फिर उसको थोड़ा ज़्यादा तेल डालना पड़ता है इसमें कढ़ाई में, डाल के बस हींग और सारे मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया नमक जीरा ये सब डाल के, सौंफ डाल के अच्छे से इसको भून लेना है जब तक ये एकदम से अलग अलग हो जाती है, मतलब कढ़ाई बिल्कुल छोड़ देती है। डालोगे तो एकदम बहुत पेस्ट जैसा लगता है, लेकिन फिर भूनने के बाद में बिल्कुल दरदरी हो जाती है। मेरी बेटी तो ऐसे कटोरी में ले लेती है और चम्मच लेके खाती है नमकीन की तरह, बहुत टेस्टी भी लगती है सच में। तो वो ले गई है कटोरी में, तो मैंने सोचा आज इसी तरह से कचौड़ियाँ बना लेती हूँ। हालांकि पहले इसका कॉम्बिनेशन जो है होता था आम के साथ, आम के साथ इसको ज़्यादा लोग खाते थे, पहले सभी लोग खाते थे। हमारी दादी तो आम रख देती थी प्लेट में और ये खूब बड़ी बड़ी सी कचौड़ियाँ बनाती थी। हम लोग तो छोटी बनाते हैं, वो एकदम मतलब बहुत जैसी छोटी रोटी टाइप की होती है उस तरह से खूब भर भर के बनाती थी और प्लेट में बड़े बड़े से आम रख देती थी, लो ये खाओ। सच में वो याद करके बहुत अच्छा लगता है कि काश वो दिन वापस आ जाए, वो बात कुछ और ही होती थी। तो बस इस तरह से मैंने इनको भर लिया है कचौड़ियों को, आटा थोड़ा सॉफ्ट गूंद लिया है, जैसे हम लोग आलू की कचौड़ी वगैरह बनाते हैं। कचौड़ियों का आटा हम लोग जानते हैं कैसे गूंदा जाता है, थोड़ा गीले गीले टाइप का, ताकि हमारी दाल और आलू जो वगैरह निकले ना। तो बस बेटी चिल्ला रही है मम्मा दाल मैंने खा ली है वो वाली भुनी हुई, अब जल्दी से मैं कचौड़ी बना के दे दो, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने 4 कचौड़ियाँ अभी फ़िलहाल बना ली हैं, 4 कचौड़ियाँ पीहू को दे दूँगी, फिर उसके बाद में बाकी की कचौड़ियाँ बना लूँगी। तो देखिए कितनी अच्छी सी फूल के तैयार हुई है, 100% फूलती हैं ये कचौड़ियाँ, बहुत अच्छी लगती हैं वाकई में। एकदम से जब इनको फाड़ो तो अंदर से दाल दिखती है, बहुत यमी लगती हैं। अभी आम तो नहीं है लेकिन चाय के साथ भी ये कचौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, थोड़ी सब्जी से कम अच्छी लगती हैं। तो हमारी कचौड़ियाँ रेडी हैं, फ़िलहाल मैंने दही ले लिया है, केचप ले लिया है, हरी चटनी थोड़ी सी रखी थी धनिया और मिर्ची की, तो फ़िलहाल मैं अब इसी से खाने वाली हूँ, सब्जी नहीं बनाई है मैंने। तो बस देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी सी कचौड़ी बन के तैयार हुई है। देखिए दाल कितनी मैंने, हालांकि थोड़ी कम ही भरी है, दादी हमारी बहुत ज़्यादा भरती थी, दाल एकदम से निकल पड़ती थी बाहर। तो जब मैंने ये बाइट तोड़ा है तो पीहू भाग के आ गई कि मम्मा ये बाइट वीडियो में दिखाएंगी, फिर ये बाइट हम ही खा लेंगे, तो आप देख सकते हैं इसका रिव्यू भी सुन सकते हैं। मम्मा ये कचौड़ी तो बहुत अच्छी बनी है। ओह थैंक यू बेटा।